नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद अंतर्गत आजमगढ़ एयरपोर्ट, जो नवनिर्मित एयरपोर्ट है आजमगढ़ में बन रहा है। आजमगढ़ के कंधरापुर बाजार के थोड़ा सा आगे मंदूरी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज मैं आपको आजमगढ़ एयरपोर्ट का ताज़ा अपडेट देने जा रहा हूं। दोस्तों कि आजमगढ़ का जो एयरपोर्ट है, जो देश की और उत्तर प्रदेश की सरकार निर्माण कर रही है दोस्तों, यह ऑलमोस्ट कम्प्लीट है और उद्घाटन के लिए तैयार है। दोस्तों तो यह एक खुशखबरी आप सभी पूर्वांचल वासियों के लिए कि आजमगढ़ एयरपोर्ट जो है वह अब उद्घाटन के लिए तैयार है। जैसा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पास से गुजर रहा है वह भी उद्घाटन के लिए तैयार है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास और शुरुआत भी इसी जगह से हुई थी दोस्तों। और मुझे ऐसा लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आजमगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन भी यहीं से होगा दोस्तों। तो आजमगढ़ एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दोनों उद्घाटन के लिए तैयार है, और निश्चित रूप से यह एक बड़ी खुशखबरी है पूर्वांचल वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए कि आजमगढ़ जैसे पिछड़े ज़िले में भी एयरपोर्ट की सौगात मिलने जा रही है और यहां से लोग अन्य भारत के शहरों और विदेशों में जा सकेंगे। दोस्तों मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। जय हिंद मित्रों, यह वाराणसी फैज़ाबाद निर्माणाधीन फोर लेन है जो फैज़ाबाद की तरफ से वाराणसी को जा रहा है। दोस्तों यह है फोर लेन हाईवे दोस्तों, जो बसखारी बूढ़नपुर अतरौलिया की तरफ से ये देखिए आजमगढ़ होते हुए वाराणसी को जाता है। यह इस समय इसका कार्य प्रगति पर है, बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है दोस्तों। और ये आगे जो इधर मैं दिखा रहा हूँ वो आजमगढ़ की दिशा है। आजमगढ़ की से 12 किलोमीटर पर यह एयरपोर्ट स्थित है, मंदूरी एयरपोर्ट आजमगढ़ एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों यह बन के तैयार हो चुका है, ये देखिए यह है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत नो फ्रिल्स एयरपोर्ट आजमगढ़, जिसका कार्य प्रारंभ हुआ था नवंबर 2018 में और इसका कार्य पूर्ण हो गया है अप्रैल 2019 में। लागत इसकी है 1821.49 लाख रुपया दोस्तों, और इसकी कार्यदायी संस्था है उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण निगम लिमिटेड आजमगढ़। दोस्तों इसमें बन रहे हैं टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है दोस्तों, पार्किंग बन रहा है, रनवे बन रहा है, आवासीय कॉलोनी बन रहा है दोस्तों। और ये टू लेन रास्ता आप देख रहे हैं वाराणसी फैज़ाबाद मार्ग से दोस्तों, आजमगढ़ शहर से 12 किलोमीटर दूर फैज़ाबाद वाले रोड पे कंधरापुर बाजार के आगे मंदूरी गांव में स्थित है यह एयरपोर्ट, जो कि नवनिर्मित है, बन चुका है दोस्तों, एकदम फाइनल स्टेज पर है और ये उद्घाटन के लिए तैयार है। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है टर्मिनल आजमगढ़ एयरपोर्ट दोस्तों, और मैं आपको नज़दीक से लेकर चलकर दिखाता हूँ कि यह एयरपोर्ट अब बन के तैयार है और आपकी सेवा में हाजिर होने को तत्पर है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ये एयरपोर्ट का पिछला हिस्सा है, ये प्रशासनिक भवन है और ये इधर रिहायशी बिल्डिंग्स हैं, और आप देख सकते हैं ये पूरा रनवे अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा कंप्लीट है और उद्घाटन के लिए तैयार है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ आजमगढ़ मंदूरी एयरपोर्ट के अंदर, आपको दिखाता हूँ दोस्तों। वैसे तो आजमगढ़ एयरपोर्ट पिछली दो राज्य की सरकारों के विचाराधीन भी रही है, लेकिन फाइनल अमली जामा पहनाया उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दोस्तों, और अब यह एयरपोर्ट फाइनल स्टेज पर आ चुका है, उद्घाटन के लिए तैयार है दोस्तों। इसमें टर्मिनल, रनवे, टैक्सी मार्ग, फायर स्टेशन आदि बनने हैं। रनवे की कुल जो लंबाई है वो 1500 मीटर के लगभग है। बिजली के खंभे आदि जो ऊंचे हैं वो हटाने का कार्य चल रहा है। शुरू में 17 यात्रियों वाले विमान तक की परमिशन यहाँ मिलने वाली है दोस्तों, और इस एयरपोर्ट के बन जाने से आजमगढ़ सहित अंबेडकर नगर, मऊ और जौनपुर जनपद वासियों को लाभ मिलने वाला है दोस्तों। यह जनपद वासी भी यहाँ की सेवा का लाभ ले सकेंगे और यहाँ से यात्रा कर सकेंगे दोस्तों। आगे हम आपको लेकर चलते हैं रनवे की तरफ दोस्तों।
और ये देखिए ये जो ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मुझे ये लगता है कि ये जो सामान लगेज चढ़ाए जाते हैं उसके लिए बन रहा है दोस्तों। ये वर्कशॉप टाइप है और आगे आपको मैं रनवे की तरफ ले। वर्तमान में कुल 7 एयरपोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और गाज़ियाबाद दोस्तों, जिसमें से कि लखनऊ और वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं दोस्तों। और अब इस समय 11 प्रस्तावित हैं, निर्माणाधीन हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन के तैयार हैं दोस्तों। आज़मगढ़, अलीगढ़, फैज़ाबाद, बरेली, चित्रकूट, नोएडा, झांसी, कुशीनगर, मुरादाबाद, श्रावस्ती और सोनभद्र दोस्तों। इसमें आज अश्विन शुक्ल पूर्णिमा, तदनुसार 20 अक्टूबर को आज वाल्मीकि जयंती है और आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, साथ में राज्यपाल माननीय आनंदी पटेल और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं दोस्तों। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो चुका है, आजमगढ़ का उद्घाटन होना है और अन्य एयरपोर्ट भी लगभग बनकर तैयार हैं, सोनभद्र एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है। ये है बेहतरीन रनवे जिसकी लंबाई और चौड़ाई हाल ही में बढ़ाई गई है दोस्तों, और अगल बगल की जो ऊँची बिल्डिंग हैं उनके लिए नोटिस जारी की गई थी और जो ऊंचे खम्भे हैं उनके हटाने का काम कर दिया गया है दोस्तों। बाद में जैसा कि मैंने बताया आपको, रनवे की लंबाई कुछ बढ़ाई गई है, कुछ ज़मीनें अधिग्रहित की गई हैं और चारों तरफ बाउंड्री वॉल कंप्लीट है। ये देखिए यहाँ हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए स्थान बनाया गया और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर उतरा था जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था दोस्तों। हम आपको रनवे की तरफ से लेकर चल रहे हैं उस एरिया में जहाँ हवाई जहाज आकर खड़े होंगे और यहाँ से यात्री उतर कर और इस टर्मिनल में चेक इन के बाद बाहर निकल सकेंगे दोस्तों। ये वो जगह है, वो स्पेस है, यहाँ से इस बिल्डिंग से होके बाहर निकल सकेंगे यात्री दोस्तों। हम बगल से आपको फिर से लेकर चल रहे हैं, सामने से आपको उस एरिया को दिखाएंगे। ये देखिए इधर बिल्डिंग्स हैं, इधर जो कर्मचारी हैं वो रहेंगे और उनका ऑफिस कार्यालय भी है दोस्तों। ये सामने से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से यात्रीगण अंदर जाएंगे और वो अंदर से बाहर निकल कर फिर अपने घरों को जाएंगे दोस्तों। ये बन के तैयार हैं, वायरिंग के थोड़े से काम थे वह भी लगभग पूर्ण हो चुके हैं दोस्तों, तो फाइनल स्टेज पर है और एयरपोर्ट रेडी है, तैयार है आने जाने के लिए दोस्तों। इसका उद्घाटन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं दोस्तों। और जो सरकार हवाई अड्डा, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे के लिए तैयार है, निश्चित रूप से वह प्रगतिशील भारत की सोच से आगे बढ़ रही है दोस्तों। अब तक गुजरात राज्य पूरे भारत में 12 एयरपोर्ट के साथ सबसे आगे है दोस्तों। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में जो 7 एयरपोर्ट हैं उनके साथ ही जो 11 एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं और ये बनकर लगभग तैयार हैं, अगर उद्घाटन हो जाएगा तो 18 एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे आगे होगा दोस्तों, नंबर 1 पर होगा दोस्तों। ये एयरपोर्ट का पिछला हिस्सा है, ये पीछे की चार दीवारी है दोस्तों, ये ऊंची चार दीवारी आप देख रहे हैं, ये पीछे का एरिया है दोस्तों। और ये है वो टावर जहां से सैनिक निगरानी करेंगे, चारों तरफ इस तरीके से वाचिंग टावर लगाए गए। प्रगतिशील भारत की मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। यदि मेरे चैनल पर आप नए हों तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि किसी भी नई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। अपने क्षेत्रीय लोगों में, अपने लोगों में, अपने कांटेक्ट के लोगों में मेरी वीडियो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो सके दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों को प्रगतिशील भारत की जानकारी हो सके दोस्तों। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।